हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। गाइज़, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं क्लांचो की, ये मैंने कुछ 20-21 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की थी, आपके साथ शेयर किया था इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपनी क्लांचो प्लांट की अपडेट देने वाली हूँ और हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमारी कितनी कटिंग चली और कितनी मरी हैं। दोस्तों, ये जो हमारा क्लांचो का प्लांट होता है, चाहे वो हमारा कोई सा भी क्लांचो हो, ये एक सैकुलेंट को बिलोंग करता है। और आप जानते हैं जो सैकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, उन्हें हमें कम केयर में और कम वाटरिंग में चलने वाले प्लांट होते हैं, आप ये जानते होंगे। और हमें अपनी कटिंग को अच्छे से बचाए रखने के लिए सिर्फ इतना करना होता है कि इनमें हमें वाटरिंग कम करनी होती है। जितना ही हम अपने प्लांट की वाटरिंग हिसाब से करेंगे, देख के करेंगे, तो हमारा कोई भी क्लांचो की कटिंग वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी। तो चलो वीडियो में दोस्तों, क्लांचो की अपडेट मैं देने वाली हूँ। ये देखिए, 21 दिन बाद की मेरी ये कटिंग है और आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने ही अच्छी मेरे प्लांट चले हैं। मतलब इन्होंने कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये कितने अच्छे से ग्रोथ कराई इन्होंने। और दोस्तों, ये मैंने एक वेस्ट कप जो होता है, मैंने उसमें इसकी कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे से चली है हमारी कटिंग। और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बीच बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है, तो मैंने अपने प्लांट को बहुत ही एक या दो ही बार बारिश दिखाई है। ज़्यादा मैं अपने प्लांट को बारिश में नहीं रखा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं अपने प्लांट को बारिश में रखती तो ये मेरी जो क्लांचो की कटिंग है ये गल जाती। दोस्तों, प्लांट्स के लिए वैसे तो बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्लांचो वैरायटी जो होती है थोड़ी ये ज़्यादा पानी की वजह से दोस्तों गल जाती है, इसीलिए मैंने बड़े हिसाब से इनको बारिश दिखाई है। और आप देख सकते हैं मेरी कटिंग का रिज़ल्ट कितने अच्छे से ग्रोथ पे आई है। और मैं ये आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें रूट्स बनी या नहीं बनी। लगता है दोस्तों इसमें रूट्स बन चुके हैं, क्योंकि निकालने से भी ये निकल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। मैं कितने ज़ोर से निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दोस्तों देखिए निकल नहीं रही है बिल्कुल भी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें रूट्स बन चुकी हैं, पर थोड़ा डर ये भी लग रहा है ऐसा ना हो कि मेरी कटिंग ही टूट जाए ऊपर से। देखिए दोस्तों, कटिंग तो आ गई वैसे, हल्के हाथ से मैंने इसको निकाला है, लेकिन दोस्तों इसमें तो लगता है रूट्स नहीं बनी है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इसमें कोई रूट्स नज़र नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, रूट्स तो बनी नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट हमारा कितना हेल्दी लग रहा है देखने में। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फिर इस कटिंग को यहीं पर ही लगा देती हूँ ऐसे ही। आज नहीं तो कल इसमें रूट्स बन जाएगी। मैं और कटिंग चेक करते हैं कि उनमें रूट्स बनी या नहीं बनी। तो दोस्तों, मैं दूसरा प्लांट निकाल के देखती हूँ कि इसमें कटिंग्स बनी है या नहीं बनी है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, रूट्स मेरे इन प्लांट्स की अलग से ही आपको नज़र आ रही होंगी। वाइट वाइट सी, बहुत बारीक बारीक सी धागे जैसी रूट्स आ गई हैं। और दोस्तों, वैसे तो क्लांचो में बहुत आराम से रूट्स बन जाती हैं, लेकिन पता नहीं उसमें क्यों नहीं बनी। देखिए दोस्तों, मैं रूट्स दिखा रही हूँ आपको, कितनी ये बारीक बारीक सी वाइट वाइट सी जो आपको दिख रही हैं, ये सब इन प्लांट्स की रूट्स ही हैं। और मैं थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। आप देखिए दोस्तों, कितनी जो सफ़ेद सफ़ेद सी धागे जैसी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब रूट्स ही हैं। और कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनी हैं। तो चलो एक बार दोस्तों, कोई सी भी हम कटिंग निकाल के देखते हैं, क्या पता ये हमारा भ्रम ही हो, लेकिन भ्रम नहीं है दोस्तों, रूट्स अलग से ही पता चल जाता है। और फिर भी निकाल के देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारे प्लांट की रूट्स बनी या नहीं बनी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी कटिंग कितनी हेल्दी लग रही है देखने में। और मुझे तो लगता नहीं है कि दोस्तों आप भी कोई कटिंग लगाएंगे और वो मर जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्लांचो एक ऐसा प्लांट होता है कि कोई बच्चा भी अगर इसकी कटिंग लगाता है तो बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी लीफ तोड़कर भी कहीं मिट्टी के ऊपर भी रख देंगे ना, तो भी इसमें बहुत रूट्स से पहले ना लीफ पर बेबी प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी देसी क्लांचो होती है। और दोस्तों, जो हमारा वेरीगेटेड क्लांचो होता है, उसकी कटिंग भी ऐसे ही लग जाती है और बहुत आराम से ग्रोथ पे आ जाती है। दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान वाटरिंग का रखना है दोस्तों, ज़्यादा इसमें पानी नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपकी रूट्स गल जाएंगी, मतलब आपका प्लांट जो है वो गल जाएगा। और दोस्तों देखिए, मैंने दूसरा प्लांट आपको निकाल के दिखा रही हूँ, इसमें कितने अच्छे से रूट्स बन चुकी हैं। दोस्तों, जब मैंने अपने क्लांचो की कटिंग आपको लगा के दिखाया था, मैंने उसमें कोई भी रूटीन हार्मोन्स या हल्दी पाउडर या एलोवेरा
कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं लगाई जिससे हमारे प्लांट में रूट्स आए। आप लोगों के सामने ही मैंने अपनी कटिंग को काट के ऐसे ही लगा दिया था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी कटिंग बहुत इजीली बहुत आराम से लगा सकते हैं। गाइस, कटिंग को लगाने के बाद मैंने इसको शेमी शेड एरिया में ही रखा था और दोस्तों, जब एक हफ़्ते बाद मैंने अपने प्लांट को ऐसे जगह पे रखा जहाँ पे मेरी कटिंग को मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट मिलती थी। और दोस्तों, गाइस एक बात और, दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी वीडियो को कॉमेंट भी करते हैं और आप लोगों की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है वीडियो पर और मेरा मन भी करता है फिर बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिए और मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।